भाई आज हम बात करेंगे एक ऐसे गाड़ी की जिसने कई दशकों तक सड़कों पर और काफ़ी लोगों के दिलों पर भी राज किया है, और मुझे पक्का यकीन है कि ये गाड़ी काफ़ी लोगों के पापा की फेवरेट गाड़ी रही होगी। तो आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान मोटर की क्वांटेसा के बारे में, जिसे इंडिया की मसल्स कार भी कहा जाता है, और जानेंगे हिंदुस्तान मोटर्स क्वांटेसा क्लासिक के ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसको जानकर आप भी बहुत चौंक जाओगे। तो बिना एक भी पल वेस्ट किए शुरू करते हैं ये वीडियो। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू मोटो गीक इंडिया। मैं हूं अनिकेत, और अगर आपने अभी तक मोटो गीक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, जानने के लिए गाड़ियों से रिलेटेड ताज़ा खबरें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो थम्स अप बटन ज़रूर दबा देना, और ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर देना जो दीवाने हैं क्लासिक विंटेज गाड़ियों के। तो दोस्तों, क्वांटेसा को हिंदुस्तान मोटर ने सन 1984 में भारतीय कार मार्केट में उतारा था, और क्वांटेसा ने लगभग 25 सालों तक भारतीय सड़कों पर राज किया था। इसके पहले हिंदुस्तान मोटर सिर्फ अपनी एक कार की वजह से जाना जाता था, जो थी हमारी नेताओं की पहचान, हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसिडर। तो अब एम्बेसिडर के बाद हिंदुस्तान मोटर को चाहिए था उनकी ब्रांड के लिए एक नया फेस, इसलिए क्वांटेसा को भारतीय बाजार में उतारा गया था। क्वांटेसा एक 1976 ब्रिटिश मेड वॉक्सवॉल विक्टर एफ पर बेस्ड थी। उस समय वॉक्सवॉल विक्टर के काफ़ी इंजन ऑप्शन थे, जो कि 1800 से लेकर 3300 सीसी तक इंजन साइज ऑफर करते थे। तो अब जानते हैं कि वॉक्सवॉल की विक्टर इंडिया में क्वांटेसा कैसे बन गई। तो उस वक्त दो बातें अचानक से हुई थी जिसने क्वांटेसा को जन्म दिया था। एक, जनरल मोटर्स ने वॉक्सवॉल कंपनी को खरीद लिया था, और उन दिनों हिंदुस्तान मोटर्स अपने लिए एक न्यू व्हीकल ढूंढ रही थी। तो जनरल मोटर्स ने अपने हिंदुस्तान मोटर्स की मदद की, और उन्होंने हिंदुस्तान मोटर्स को वॉक्सवॉल विक्टर के प्रोडक्शन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी दी, क्योंकि वॉक्सवॉल विक्टर की प्रोडक्शन यूके में 1978 में बंद कर दी गई थी। तो अब जनरल मोटर्स ने प्रोवाइड की गई नई टेक्नोलॉजी के साथ हिंदुस्तान मोटर्स तैयार थी क्वांटेसा बनाने के लिए, पर उन्हें अब चाहिए थी एक ऐसी जगह जहां पर लैंड, लेबर कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो एक प्रोडक्शन प्लांट सेट करने के लिए। तो हिंदुस्तान मोटर ने उत्तपरा कोलकाता के पास एक प्लांट सेट किया, जहाँ पर एम्बेसिडर भी बना करती थी, और क्वांटेसा का भी प्रोडक्शन लाइन शुरू कर दिया गया था। तो इसी के चलते हुए हिंदुस्तान मोटर की पहली टेस्ट कार डेवलप हुई 1982 में, और जब 1984 में पहली क्वांटेसा प्रोडक्शन कार बनी तो गाड़ी का प्राइस कम रखने के लिए हिंदुस्तान मोटर ने उसमें 1.5 लीटर पेट्रोल बीएमसी वी सीरीज इंजन लगाया, जो कि 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ दौड़ता था और 50 हॉर्स पावर की पावर आउटपुट निकाल कर देता था, जिसकी टॉप स्पीड थी 125 किलोमीटर पर आवर की। और उस दौर के हिसाब से क्वांटेसा का इंटीरियर काफ़ी लग्जूरियस था, कि उस वक्त में भारत में बन रही किसी भी गाड़ियों का ऐसा इंटीरियर नहीं था, इसलिए इसे लग्जूरियस लिमोजिन भी कहा जाता था। और इसीलिए ये गाड़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल, कई नेता और अभिनेताओं की फेवरेट गाड़ी बन चुकी थी। और उस ज़माने में इसमें पावर विंडोज़, पावर स्टेयरिंग, एसी जैसे कई फीचर्स आते थे जो उस वक्त के हिसाब से काफ़ी लग्जूरियस थे। और उस समय प्रीमियर पद्मिनी, हिंदुस्तान एम्बेसिडर, स्टैंडर्ड 2000 और प्रीमियर 118NE इसके कॉम्पिटिटर थे। जब क्वांटेसा को मार्केट में उतारा गया तब इसकी एक शोरूम प्राइस थी 83,000 रुपीज़। पर क्वांटेसा की एक कमी थी जिसकी वजह से वो थोड़ी फीकी पड़ती जा रही थी, वो थी इसका अंडर पावर्ड इंजन। तो इसी कमी को दूर करने के लिए हिंदुस्तान मोटर ने लेट 80s में जापान की कंपनी इसुजू से टाइप किया और 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ क्वांटेसा में इंस्टॉल किया। बस फिर क्या था, क्वांटेसा के साथ दो और शब्द जुड़ गए, क्लासिक और 1.8 GLX का टैग। और इसी अपग्रेडेशन की वजह से क्वांटेसा को इंस्टेंट सक्सेस मिल गई। अब तो इसकी टॉप स्पीड बढ़कर 160 किलोमीटर पर हावर हो चुकी थी। बाद में 1990s में हिंदुस्तान मोटर्स ने क्वांटेसा को 2 लीटर डीजल इंजन के साथ उतारा, जो भी एक इंस्टेंट सक्सेस रहा क्वांटेसा के लिए। और क्वांटेसा ने 90s में इंडियन मार्केट पे काफ़ी रूल किया। क्वांटेसा एक ऐसी दूसरी कार थी जिसमें फुल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम था, उससे पहले सिर्फ ट्रम की हार्लेट में ही ये सस्पेंशन सिस्टम दिया जाता था। दोस्तों, 2000 का दशक आते आते काफ़ी कार कंपनीज इंडिया में एंटर कर चुकी थी, और मारुति 800 अपना हिक्का इंडियन कार मार्केट में जमा चुकी थी, जिसके चलते क्वांटेसा की सेल्स में गिरावट आने लगी, और हिंदुस्तान मोटर्स ने 2002 में क्वांटेसा का प्रोडक्शन बंद कर दिया। इंडियन कार मार्केट में
काफ़ी और सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां आई और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। कॉन्टेसा 2006-07 के बाद से भारतीय सड़कों से गायब होने लगी। वजह थी इसका मेंटेनेंस, स्पेयर्स पार्ट की अनअवेलेबिलिटी, मैकेनिक्स का ना मिलना। इन कारणों की वजह से कॉन्टेसा स्क्रैप यार्ड में चली गई और टूट गई। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, दो और वापस लौटकर ज़रूर आता है। 2011-12 से इस कार की डिमांड फिर से वापस बढ़ने लगी और इसकी रीसेल वैल्यू भी बढ़ गई। इसकी मस्कुलर लुक्स की वजह से ये फिर से एक बार यूथ की पसंदीदा कार बन गई। दोस्तों, काफ़ी सारी कॉन्टेसा को मॉडिफाई भी किया जा चुका है, कुछ को मस्टैंग बनाया जा चुका है, तो कुछ कॉन्टेसा को लिमोजिन में भी कन्वर्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों, आज भी कॉन्टेसा को इसके चाहने वालों ने संभाल कर रखा है और आज भी जब ये सड़क पर चलती है तो लोग इसे पलट पलट कर ज़रूर देखते हैं। भाई, इस गाड़ी की सवारी किसी शाही सवारी से कम नहीं है और आज भी इस कार का वजूद भारतीय सड़कों पर बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा, क्योंकि इस कार की दीवानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। 70% व्यूअर्स हमारे वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आप हमारा कंटेंट पसंद करते हो और ऐसे ही वीडियोज़ आगे देखना चाहते हो तो मोटोगीक इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही किसी गाड़ी पर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो उस गाड़ी का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दिस इज अनिकेत साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।